स्वास्थ्य शिविर का आयोजन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश। जी हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, सुलभ इंटरनेशनल और आश्र किरण फाउंडेशन ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली के नसफगढ़ में तमन्ना रेजिडेंट कैंपस में स्वच्छता ही सेवा, मिशन लाइफ, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन और परित्यक्त महिलाओं के लिए चिकित्सा शिविर पर केंद्रित एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर नमिता माथुर ने कहा, इस पहल का उद्देश्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना है। आश्र किरण फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि शिविर में सामान्य चिकित्सा, हड्डी रोग, ENT, दंत चिकित्सा और स्त्री रोग के विशेषज्ञों के परामर्श सहित कई तरह की चिकित्सायी सेवाएं शामिल थी। प्रतिष्ठित डॉक्टरों की एक टीम द्वारा हीमोग्लोबिन, रक्त शर्करा और रक्तचाप की भी जांच की गई। ये महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिशन लाइफ थीम स्वस्थ जीवन शैली अपनाए के अंतर्गत वंचित समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। इस अवसर पर RC झा, आनंद चौहान सहित सुलभ इंटरनेशनल के वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टर्स ने अपने विचार व्यक्त किए। चिकित्सा के अलावा कार्यक्रम में मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं जैसे कि महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक सत्र शामिल थे। प्रतिभागियों को सैनिटरी उत्पादों के उचित उपयोग पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया गया। इस उद्देश्य को और अधिक समर्थन देने के लिए सुलभ IIHH ने महिलाओं को आवश्यक स्वच्छता आपूर्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सैनिटरी पैड भी वितरित किए। जो भी जरूरतें हैं, जितनी इनमेट्स हैं यहाँ, वो सब फीमेल्स हैं, तो डे टू डे ये इनकी नीड्स हैं, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा हम भी इसमें योगदान कर सकें। अब मैं डॉक्टर पंकज से रिक्वेस्ट करूँगी, वो थोड़ा मेडिकल कैंप और अपने ऑर्गेनाइजेशन के। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो भी उपस्थित हमारे मंच पर बैठे हुए गणमान्य लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है, मैं आश्रय फाउंडेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं 5 साल से संस्था चला रहा हूँ और मेरी संस्था समय समय पर हर महीने में 2-4 कैंप करती है और लोगों को हेल्थ अवेयरनेस और हम लोग मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस बार डॉक्टर नमिता से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग भी एक काम करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, तो इसमें एक मिशन लाइफ जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस है उसके द्वारा और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसके हम लोग तीनों ऑर्गेनाइजेशन से, कोलेबोरेशन से, एसोसिएशन से आज ये प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोग डॉक्टर लोग हैं, हम लोग तो मरीज को बीमार होने पर दवा दे सकते हैं, लेकिन जो आप लोग का जो मिशन लाइफ है, अगर आदमी स्वच्छ रहेगा तो उस स्टेज तक ना पहुँचे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस देश का, इस समाज के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। बीमार पड़ने पर तो हम लोग हैं, लेकिन बीमार ना पड़े, हालांकि हमारे प्रोफेशन से अलग है ये बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हमारे सारे लोग स्वस्थ रहे समाज में। इसके लिए स्वच्छता हमारी स्वास्थ्य का पहला सिर है। अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे। बीमार तो रोक नहीं सकता होगा बीमार होने से, लेकिन हम लोग बीमारी की तरफ एक स्वच्छता एक बहुत ही एक अच्छा मिशन है। और इसमें हाइजीन, इसमें आगे कैसे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ को हम लोग अच्छे से रखें ताकि बीमार कम पड़े, और इस मिशन के लिए जो आपका मिशन लाइफ है और आपकी सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बढ़ चढ़ करके समाज में काम कर रही है, काफ़ी दिनों से एक्टिव है। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन से के द्वारा एसोसिएशन होने का मौका मिला। इसके लिए मैं डॉक्टर नमिता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोग से मिलने का और आपके एसोसिएशन से जुड़ कर काम करने का। यहाँ आने पर मैं इस जो सिस्टर चैरिटी ऑफ तमन्ना है, यहाँ पर सिस्टर एंसी, सिस्टर नमिता, मैं इनसे 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बीच में आकर मैं इनका हेल्थ चेकअप कैंप कर दिया करता हूँ, तो मैंने इनको बोला कि सर हम लोग कुछ नया करते हैं, तो बोले क्या नया कीजिए, बोले कि मैं कुछ ऐसे लोगों को लाऊँगा जिसे यहाँ पर जो लोग एबेंडोनेड वुमेन है, इनको भी अच्छा लगता है कि ये लोग समाज से जुड़े।
समाज से जुड़ने पर ये लोग समाज से कटे हुए हैं लोग हैं, और इनका ये लोग सिस्टर लोग अच्छे से सेवा करती है, बहुत काबिले तारीफ़ है मैं सिस्टर लोग का, जो यहाँ पर रह करके ऐसे समाज से कटे हुए लोगों को लोग सर्विस देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग को भी सर्विस देना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है यहाँ आकर। जो जो इन लोग काम कर रही हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दें तो शायद हम लोग को लगेगा कि हम लोगों ने भी कुछ किया, एक संतुष्टि मिलती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज हेल्थ चेकअप कैंप किया, इस हेल्थ चेकअप कैंप में डॉक्टर रश्मि रंजन गायनेक की चेकअप किया इन्होंने, डॉक्टर हमारे करमवीर सहरावत जी हैं डेंटल चेकअप किया इन्होंने, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने एक इन्वायरमेंट को देखते हुए उड़न टूथब्रश भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये काफ़ी अच्छा रहा इनका यूनिक आइडिया। और आज के थीम को देखते हुए इस उड़न टूथब्रश का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा लगा तो हम लोगों ने किया। और यहाँ पर पाया मैडम जैसा बता रही थी कि हीमोग्लोबिन की बहुत